जी मैं आज आपको सिखा रही हूँ गुड़ वाले चावल बनाना। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं जिन्हें आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। तो ये चावल हैं, गुड़ है हमारा आधा किलो, दोनों चीज़ें सेम वज़न है, एक किलो चावल तो एक किलो गुड़, और अगर आधा किलो चावल है तो आधा किलो गुड़। जैगरी है ये, और ये फैनल सीड्स हैं जी, सौंफ ये मैंने जो 2 टेबल स्पून ली हैं, और मेरे पास ये है दालचीनी है। तो ये जो है हमने 2 स्टिक्स ले ली हैं, इसमें सिनेमन स्टिक्स 2 ले ली हैं हमने, ग्रीन कार्डमम है, हरी इलायची ये भी मैंने इसमें 6 ले ली हैं, 3 जो है मेरे पास टेबल स्पून इसमें असली घी है। आप असली घी में बनाएं या जो नॉर्मल घी होता है उसमें बनाएं, ऑयल में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन घी बटर इस टाइप की चीज़ों में बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और दूध लिया है मैंने 1/2 कप, 1/2 ग्लास दूध है। गार्निश के लिए है कोकोनट, ये फ्रेश कोकोनट है मेरे पास, मैं फ्रीज कर देती हूँ, फिर जितना भी चाहिए होता है वो यूज़ कर लेती हूँ, फ्रेश है ये। ये गार्निश के लिए है, और 3 टेबल स्पून घी आ गया इसके अंदर। और ये जी मेरे मैंने 10-12 बादाम लिए हैं जिसको हल्का सा माइक्रो में गर्म करके इस तरह मैंने ऊपर से सब कवर उसको उतार दी स्किन, और बीच में से आधा आधा कर दिया है। और यही ये जो कोकोनट हमने लिया है ये उसके अंदर चावलों में डलेगा। तो आए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पानी रख दिया था, अब इसमें उबाला आने लग गया है तो मैं अपने चावल, उबाला आने वाला है तो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ अपना। पानी आपने खुला रखना है, बस आपने इसमें 80% इसको चावलों को इसमें कुक करना है, हमें गलाना नहीं है, बस 80% चावल हमारे एक कनी वाला चावल हो। कनी मैंने आपको बीच में से दिखाई थी कि तोड़ेंगे तो बीच में दाना होगा, तो इसका मतलब है कि एक कनी का चावल है। तो बस हमने इसको उतना ही रखना है, और इनको जब तक बॉयल करते हैं चावलों को, और हम अपना इसका गुड़ का शीरा बनाते हैं। इसको मैं कवर करती हूँ, 80% तक आपने इसको गलाना है, जब तक हम इसे कवर कर देते हैं। ये मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ, 1/2 ग्लास जो मिल्क है, 1/2 ग्लास मिल्क चला गया इसमें, और हमारा जो गुड़ है, जगरी जो है हमारी वो इसमें हम 1/2 किलो डाल रहे हैं। सौंफ चली गई इसमें। अब मैंने इसको इसी पानी में हल्की आंच पे पकने देना है ताकि जो हमारा गुड़ है वो इसमें मेल्ट हो। आपने बस इसको इस तरह करना है कि इसमें ना गुड़ जितना भी है वो इसमें मेल्ट हो जाए। शीरा बनाना है, बल्कि 1/2 ग्लास में इसमें पानी डालती हूँ, फिर मैं रखती हूँ। पानी डालें या आप दूध डाल लें, इसी के अंदर डालना है ताकि इसका शीरा बन जाए। 1/2 ग्लास मैंने इसमें और पानी डाल दिया। अब इसको हम इसमें मेल्ट करते हैं गुड़ को। ये देखें 4 से 5 मिनट, बल्कि 3-4 मिनट में ही ना मैंने इसको दबा दबा के गुड़ को प्रेस करना है आपने अच्छी तरीके से, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको मेल्ट किया है। बस जैसे ही ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसको कोई टाइम नहीं देना कि ये कितना हमने गाढ़ा रखना है, एक तार का रखना है कितना है इसको। बस जैसे ही ये मेल्ट, आपने 1 ग्लास दूध ले लें या पानी ले लें जो भी आपने लिया, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बस जल्दी से मेल्ट करना है। मैंने 1/2 ग्लास दूध लिया है और 1/2 ग्लास पानी है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने 1 ग्लास इसमें दूध डालना है तो वो डाल दें, और पानी डालना है, पानी नहीं पानी थोड़ा तो डाल सकते हैं आधा आधा करके, लेकिन सारा पानी डालेंगे तो ये आपको गुड़ का कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। आप ये देखें सारा मेल्ट हो गया, मैं इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर रही हूँ, इसको बंद कर देते हैं, और जब तक हमारे चावल हो जाएंगे फिर मैं इसको इसमें आगे बनाते हैं फिर इसको। देखें चावल जो है हमारे हो गए, अब मैं इसका पानी ड्रेन आउट करती हूँ। इसका सारा पानी निकाल लेते हैं, और ऊपर से ठंडा पानी ज़रा सा डालेंगे इसके ऊपर हम। थोड़ी देर रख देते हैं 5 मिनट तक, ताकि इसका पानी जितना भी है निकल जाए, फिर उसके बाद इसे कुक करते हैं। जी चावल तो हमारे हो गए, अब मैं इसका सीधा तड़का तैयार करती हूँ। इसमें
इसमें हमने डाल देनी है इलायची, कार्डमम, ग्रीन कार्डमम चली गई, सिनेमन स्टिक्स चली गई दोनों, बादाम चले गए, आलमंड चले गए, इसके अंदर थोड़ा कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से 2 मिनट करती हूँ कट फ्राई हो जाए छीटे ना इसके और अब हमने जो शीशा वाला इसमें ये शीरा बनाया है ये डाल देते हैं, सारा शीरा चला गया इसमें। शीरा जाने के बाद अब मैं इसमें अपने चावल डालती हूँ। अब ये देखिए शीरा हमने इसमें दूध डालने के बाद मेरा ये इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। आधा किलो गुड़ है, 1/2 kg जो है हमने जैकरी ली है, 1/2 kg राइस है उसमें, सेम वेट है। तो मिक्स कर लेते हैं इसी तरीके से इतना। अभी इसका फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है उस तक, जब से हमने इसका ऑयल में चीज़ें डाली हैं घी में, जब से हाई है। अभी जब इसको दम पे लगाएंगे फिर इसकी मीडियम लो टू मीडियम पे करके इसे कुक करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट आप इसको कुक करिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि दम लग गया, चावल हो जाएंगे तो चेक कर लीजिएगा। अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ, हल्के हल्के सारी तरीके से आप देखें कि आपने सब जगह से मिला दिए हैं चावल इसमें शीरे में। मिलने के बाद इसके हम हल्के आँच करके लो टू मीडियम पे करके इसको मैं 10 से 15 मिनट पकाती हूँ, दम पे रखती हूँ। इसके ऊपर ये ऊपर से हम ये कोकोनट भी डाल देते हैं ना, अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ। देखें चावल हो गए हमारे, अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर रही हूँ। अब आपने इस स्टेज पे ये देखना है कि अगर आपको चावलों में ऑयल घी आपका कम लग रहा है तो असली घी तो कच्चा नहीं होता, तो वो आप ऊपर से स्पून से डाल सकते हैं, बल्कि वो और अच्छी खुशबू आएगी ना। तो इसमें तो ठीक है, लेकिन इनकेस ये हो कि आपको ऑयल कम लगे तो आप ऐसा कर सकती हैं कि ऊपर से असली घी या बटर, कच्चा घी ना डालिएगा, असली घी या बटर इसके ऊपर से स्पून से डाल दें तो ये सही हो जाएगा। अब ये देखें चावलों का कलर कितना अच्छा आया है और खिले खिले चावल बने हैं, तो मैं अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं चावल, ऊपर से मैंने इसके ऊपर फ्रेश कोकोनट डाल दिया है। और ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आप कैसे लगे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।